नमस्ते, आप सबका स्ट्रीमर्स के इस व्लॉग में स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए जनहित में एक खत नामक स्वरचित कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। जनहित में एक खत। मैं 2019 में पैदा हुआ था। मुझे दुनिया में आए केवल 4 महीने हुए हैं, पर दुनिया को बहुत कुछ सिखा रहा हूँ मैं। अब आप सोच रहे होंगे कि एक 4 महीने के बच्चे ने ऐसा क्या कर दिया। माँ कहती थी खाना खाने के पहले और बाहर से आने के बाद हाथ धो लो, रोज नहाओ। पर बच्चे क्यों सुने, उन्हें तो बस अपना कार्टून देखना है। पर इन बच्चों ने मेरा नाम सुनकर हाथ बार बार धोना शुरू कर दिया। अब तो बच्चे हो या बड़े, सब हाथ बार बार धोते हैं। ये आदत मैंने दोबारा सबको समझाई है। जितना साफ सुथरा रहोगे उतना ही मुझसे तुम दूर रहोगे। सबने मिलकर दुनिया पर लकीरें खींच देश बनाए, मानव को जाति, रंग, धर्म, भाषा के आधार पर बांटा। पर मैंने सबको माना एक, सबके साथ किया सलूक एक। मुझे कुछ लोगों ने उठाया और भारत घुमाया। वहां की संस्कृति मैंने पूरी दुनिया को फिर याद दिलाई। दूसरों से ना करना हैंडशेक, करो नमस्ते, रहो सेफ। ओम की ध्वनि से करो वातावरण शुद्ध, आलोम विलोम कर श्वसन तंत्र को करो मजबूत। फल सब्जी खरे आहार, खाओगे तो रहोगे तंदुरुस्त। बचपन से ही मिट्टी से जुड़ोगे तो रहोगे रोग मुक्त। सब कुछ मैंने करवा दिया है बंद, छुट्टी कर दी है मैंने सबकी। सीख सीखना तुम अब सब, ब्यूटी पार्लर जिम रेस्टोरों को तुम भूल जाना। अब घर पर ही करना ये सब, नया कुछ करो तुम अब। आत्मनिर्भर बनो सब, अपना काम खुद करना सीखो अब। इतना महान बच्चा हूं मैं, नाम है मेरा COVID-19। मुझसे मत डरो, अपना ख्याल रखो। पुरानी रीते थी सबसे ठीक, उनका पालन करो तुम ठीक। नहीं करोगे तो कर दूंगा मैं कैद, सुधर जाओगे तो कर दूंगा आजाद। सावधान रहो, सतर्क रहो, यही है मेरा उपदेश। जिस दिन मैं देखूंगा हो गया है सब ठीक, दूर चला जाऊंगा मैं दुनिया से उस दिन। भूल ना जाना ये सब, चला जाऊंगा मैं जब, चला जाऊंगा मैं जब, चला जाऊंगा मैं जब। आशा करती हूँ आप सब तक कोरोना वायरस का ये खत पहुँचा होगा। तो फिर इस ब्लॉग को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो ना।